हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं RBSE क्लास 8 मैथ मॉडल पेपर 2024, अध्याय 7, राशियों की तुलना से संबंधित MCQ टाइप के क्वेश्चन। आज हम अध्याय 7 के राशियों की तुलना से संबंधित सब चैप्टर का आज सेकंड वीडियो ले रहे हैं। कौन सा वीडियो है? सेकंड वीडियो, सेकंड नंबर का वीडियो है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 625 रुपए का 10% होता है, तो 625 का 10% हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 625 का मतलब गुणा होता है, 10% मतलब 10/100 होता है। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 1 को गुणा 625 से कर दीजिए और बटा में 10 है, तो 1 0 है। तो एक संख्या छोड़ के आपको क्या लगाना है दोस्तों? दशमलव लगाना है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ब हमें सही उत्तर प्रदान करता है। तो ब ऑप्शन हमें सही उत्तर मिला, तो ब कोष्ठक में लिख देना है। आइए, एक लड़के के पास 25 आम है, 15 केले हैं, तो केलों की संख्या का आम की संख्या से अनुपात होगा। देखिए, 25 तो आम है, 15 केले हैं। सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है, इसका और इसका नहीं पूछ रहा है, इसका और इसका पूछ रहा है, उल्टा चल रहा है प्रश्न। तो पहले क्या लिखना है हमें? केले लिखना है। तो केले कितने हैं? 15, और आम कितने हैं? 25। अब देखिए, दोनों संख्याओं को आप ऐसी संख्या से काटिए जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 5 से काटेंगे तो जाएगा 5 बार। तो 3:5 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ब हमें सही उत्तर प्रदान करता है। तो ब ऑप्शन इसमें भर देना है कोष्टक में। आइए, सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है, यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये है, तो छूट छूट प्रतिशत हमें पूछ रहा है। अंकित मूल्य 50 रुपये है और 40 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, छूट कितनी मिली? छूट मिली है दोस्तों, इसमें से इसको घटा देना है। किसमें से इसको? तो कितना आता है? 10 आता है। 50 में से 40 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। कितना आ जाता है? 10। और अब देखिए, 10 कितने पे मिली? 50 पे मिली है हमें, तो 50 गुणा में 100 कर दीजिए। अब देखिए, 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार आएगा, और 2 को गुणा 10 से कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर देता है। तो कोष्टक में हमें लिखना है ब। आइए, सवाल नंबर 4 देखिए। एक रेडियो 2200 रुपये में खरीदा जाता है, जिसमें 10% वेट भी सम्मिलित है। तो पूछ रहा है कि वेट से पहले भी रेडियो का मूल्य क्या था, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए कितना होता है, 10% इसका निकाल लीजिए, कितना आता है 2200 रुपये का। तो उसको एक्स मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं उसको? एक्स मान लेते हैं उस मूल्य को। तो यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ मैं, एक्स था उसका मूल्य मान लो, तो एक्स का 10% 10x हो जाता है, और दिया गया है हमें 2200। देखिए, 10x बटा में क्या होगा? 10, 100, और इसमें से इसको 10% का मतलब 110 हो जाता है, 110। तो 100 पर 110, 100/110, तो इससे इसको काटेंगे, 11 से 11 दूनी 22, यानी कि 2000 रुपये। तो दोस्तों कितना होगा उसका? सीधा सीधा करके दिखा देता हूँ मैं। सीधा सी बात यह है कि 2200 रुपये है उसका, और हम उसको मान लेते हैं 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 10% वेट बढ़ाने का मतलब है कि वो 110 में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? 110 में। अब 110 कितने पे? 100 पे बन रहा है, तो 100 के नीचे 110 लिख देना है हमको। क्या लिखना है? 110 लिखना है, और गुणा में लिख देना है दोस्तों इसको 2200 रुपये को।
अब देखिए 110 से 22 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 दूनी 22, 20 बार कट जाता है, और 20 को गुणा 100 से करते हैं तो 2000 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारे लिए सही उत्तर प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए कोष्टक में भर देना है। सवाल नंबर 15 देखिए, 1 रुपए का 100 पैसे से अनुपात होगा, 1 रुपए का 100 पैसे से अनुपात, 1 रुपए का 100 पैसे से अनुपात क्या होगा। देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, पूछ रहा है 10 पैसे का अनुपात, तो 10 यानी कि 10 एकम 10, 10 2 100, 10 अनुपात 1 होगा, कि जो ऑप्शन नंबर ए हमने दे रहा उत्तर सही, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसमें है, तो ये ए इसमें भर देना है। अब देखिए 5 किलोमीटर का 500 सेंटीमीटर से 500 मीटर से अनुपात होगा, पूछ रहा है 5 किलोमीटर का 500 मीटर से अनुपात होगा, तो देखिए दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, कितना होता है 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000 हो गया, और 5000 अनुपात 500 मीटर, तो देखिए 500 से इसको काटेंगे, 5 से 5 एक बार कट जाता है, 2 जीरो इसकी है, 2 जीरो इसकी काट दीजिए, 1 जीरो बच जाता है, 10 अनुपात आता है, 1 10 अनुपात 1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमें यहाँ पर देना है। आइए लास्ट सवाल देखते हैं, एक टोकरी में 60 सेब और 75 अनार हैं, तो अनार की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात हमें ज्ञात करना है, 60 है सेब, 75 है अनार, तो अनार और सेबों का पूछ रहा है, तो वही उल्टा इसमें पूछा जा रहा है, उल्टा यानी कि 75 और 60 का है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 75 को लिखेंगे, 75 अनुपात 60। अब देखिए इसमें ऐसी संख्या से भाग दीजिए जिसका भाग दोनों में चला जाता है, तो 15 से काटेंगे, 15 5 75 और 15 6 60, 5 अनुपात 4 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें सही उत्तर देता है, तो ऑप्शन ए कोष्ठक में भर दीजिए। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से करना समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।